हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ पपेट, वो भी सिर्फ सॉक से। तो चलिए मैं आपको रिक्वायर्ड मटेरियल्स बताती हूँ। रिक्वायर्ड मटेरियल्स बताने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं इस वीडियो को एम कर रही हूँ 60,000 लाइक। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को 60,000 लाइक तक बहुत सारा प्यार देना, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, प्रेस दी बेल आइकॉन प्लीज़, और कमेंट में बताना आपको कैसा लगा पपेट। तो चलिए चालू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप छोटा सा ब्लैंक पेपर ले। ब्लैंक पेपर पर हमें यहाँ स्नेक की टंग ड्रॉ करनी है। टंग ड्रॉ करने के लिए हम लेंगे पेंसिल और टंग को बनाएंगे। ऐसा का ऐसा ही आपको दूसरी साइड भी करना है। अब ये लिप्स ड्रॉ हो चुके हैं, तो अब मैं इसे स्केच पेन, अब मैं इसे कलर करके कट कर दूँगी। यहाँ मैंने इसे रेड कलर करके कट कर दिया है, आप इसे देख सकते हैं। आप चाहे तो आप रेड पेपर भी ले सकते हैं। अब इसे हम साइड में रखें। आपको लेना है एक पेपर, पेपर पे ड्रॉ करनी है आई। आई ड्रॉ करने के बाद इसे आप ऐसे डबल फोल्ड कर दें, और अब आप इसे स्केच पेन में से स्केच पेन कर रहे हो। स्केच पेन करने के बाद इसका कलर्ड हो चुका है, यही करना था। तो अब ये स्केच पेन हो गया, तो आप इसे कट कर दीजिएगा। यहाँ मैंने दो आइस को कट कर दिया है, यहाँ कलर भी पहले से है। अब आपको चाहिए सॉक्स, तो इसे मैं साइड में रख। देखिए मेरे पास ये छोटा सा स्मॉल सा सॉक्स है। इसे आपको कट वगैरह नहीं करना, इससे सिर्फ हम पपेट बने। तो चलिए इसे आप अपने हैंड में इंसर्ट कर दीजिए। ये हमने इंसर्ट कर दिया, और हम आप इसे थोड़ा सा ढीला ही रखें। ढीला रखने के बाद ये होगा कुछ ऐसा पपेट, आपको दिख ही रहा होगा। तो अब हम इसे कुछ स्टिक वगैरह करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या स्टिक करना है। इसमें पहले तो आप यहाँ दोनों तरफ भी आई स्टिक कर दीजिए। मैं यहाँ आई स्टिक कर रही हूँ, इनकी दोनों भी आई स्टिक कर दी है। अब हम यहाँ लिप्स पर वो इसके टंग स्टिक करेंगे। तो चलिए स्टिक कर, मैंने इनकी टंग भी स्टिक कर दी। तो ये बन गया है मिस्टर पपेट। हेलो, आप सब अच्छे हो? तो आज का मेरा वीडियो इतना ही था। अगर आपको पसंद है तो इस लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय। हाँ, कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना मैं कैसा लग रहा हूँ।